हाँ बच्चों, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच, यानी वाची का मतलब यहाँ पर वाक्य से है, ऐसा वाक्य जो कर्ता से शुरू होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच, यानी ऐसा वाक्य जो कर्म को कर्ता बना करके शुरू किया जाता है। हालांकि कोई भी सेंटेंस जो है सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, लेकिन कर्मवाच में जो है जो कर्म होता है इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव रूप में लिख करके बनाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले बच्चों एक्टिव और पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस जानने से पहले ये जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन को समझ लें हम। पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, देखो इधर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन में देखो आई और वी, यानी आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है, ये हैं आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव रूप में है, कर्ता के रूप में। अच्छा, आई का ऑब्जेक्टिव रूप में जो है मी और वी का अस होता है, यानी आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है, यानी ऑब्जेक्टिव रूप है। अच्छा, तीसरा होता है इसमें पजेसिव फॉर्म होती है इसकी, पजेसिव यहां पर इसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, लेकिन समझ लो आई का से माई बनता है या माइन बनता है, वी से आवर बनता है या आवर्स बनता है। सेकेंड पर्सन में देखो यू, अब सेकेंड पर्सन में देखिए सब्जेक्टिव रूप जो है यू होता है तो ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, यानी ये देखो यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही होता है, लेकिन इसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होती है, तो ध्यान देना है इसका जो पजेसिव फॉर्म है यूअर और यूअर्स हो गया। अब थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही सी इट दैट इस तरह से आते हैं, बताया होगा। तो अब इसमें ही सी इट के मैंने दो ही लिखे हैं, ही और सी, ये सिंगुलर में है और दे जो है प्लूरल में है। ही का ही जो है सब्जेक्टिव रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप इसका हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर होता है, ही का पजेसिव रूप हिज होता है, एक हिज ही होता है इसमें, और सी का हर और हर्स होता है। अब दे का जो है ऑब्जेक्टिव रूप द्यम, देख रहे हैं आप ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, ये तो द्यम, दे का ऑब्जेक्टिव रूप द्यम हो गया, दे जो है सब्जेक्टिव रूप है इसका, और पजेसिव रूप जो है इसका देयर और देयर्स होता है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, यानी कहीं पर हम अधिकार जमाते हैं ना, ये मेरी पेन है, मेरा घर है, मेरा, तुम्हारा, ये तो अधिकार, तो ये पजेसिव है, तो ध्यान देना। अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जानने से पहले हमको सारे टेंसों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो इससे पहले बता दिया गया है। तो अब सिस्टमेटिकली जो है सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट आता है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट के अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इनडेफिनिट और अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो अभी फिलहाल हम नेगेटिव का नहीं बना रहे, अफर्मेटिव ही बना रहे हैं तीनों के, प्रेजेंट के और पास्ट का और नीचे है फ्यूचर का। तो पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट को देखो अब बनाते कैसे हैं। सेंटेंस है बच्चों एक्टिव में, आई गिव यू अ पेन, मैं तुमको एक कलम देता हूं। तो अब इसका जो रूल है बनाने का, सबसे पहले
जो मैंने ऊपर टेबल बताई पर्सनल प्रोनाउन की, इसको इसीलिए बताई कि उसका बड़ा अहम रोल है यहाँ पर। यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना है। आई सब्जेक्ट है, गिव मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, और ए अपन जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि यू भी ऑब्जेक्ट है और अपन भी ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये कैसे ऑब्जेक्ट है? तो समझना है बच्चों, यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्रिया में किसको अगर पूछा जाएगा क्रिया से पहले, क्रिया यहां पर देना है, किसको दिया या किसको देता है? मैं देता हूं, किसको देता हूं? तुमको देता हूं, तो तुमको, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सजीव होता है, याद रखना है। उसके बाद वर्ब में हम ये लगा देंगे कि मैं देता हूं, इसका मतलब हुआ मैं देता हूं। मैं क्या देता हूं, क्या शब्द लगा दो बीच में, मैं क्या देता हूं, वर्ब से पहले क्या लगाओ, मैं क्या देता हूं, एक कलम देता हूं, अ पेन। तो क्या का जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, याद रखो। अब क्लियर हो जाना चाहिए, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हमने कहा कि भाई एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव सबसे पहले जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है कर्मवाची, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है उसको सबसे पहले ले आते हैं। अब ध्यान देंगे ऊपर टेबल में देखिए, यू, यू का जो ऑब्जेक्ट है यू है, और ये ऑब्जेक्ट यानी यहां पर जो है ये यू, ये वाला यू है यानी ऑब्जेक्टिव रूप है, तो इसको हमने ये बनाना है। तो यू का सब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है, इसलिए हम इस यू को हम क्या लिख देंगे, यू ही लिख देंगे, याद रखो। यू का सब्जेक्टिव फॉर्म लिख करके यहां पर हम यू लिख दिया। उसके बाद अब गिव है बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, गिव माने देना, देता है, ताते ती आता है, समझ लो, सिंपली अगर समझना है तो ताते ती आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। तो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो ये जो गिव है ये यू के अनुसार, यू के साथ आर आता है वर्ब, यू जैसे इज एम आर, प्रेजेंट में जो वर्ब यूज होती हैं वो इज एम आर यूज होती है, याद रखो। प्रेजेंट में कौन सी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब यूज होंगी, इज एम आर। तो आर गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाती है, ध्यान दो, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन लिख दिया और उससे पहले एक्सिलरी वर्ब आर लगा दिया। इज एम आर में से यू के साथ आर आएगा, आर गिवन लिख दिया, इतना भी स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ो, अब जो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, अब पेन को वैसा ही लिख दिया। अब लास्ट में देखो, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं आया है अभी तक, तो इस सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म टेबल में देखो, ऊपर आई का, आई का क्या लिखा है, सब्जेक्ट, देखो आई सब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी लिखा है, तो आई का मी लिख दिया और उससे पहले बाई लगा दिया, याद रखो, क्या लगा दिया, बाई। तो सेंटेंस क्या बन गया देखो, यू आर गिवन अ पेन बाय मी।
अब आई गिव यू अ पेन का मतलब होता है मैं तुमको एक कलम देता हूं, तो इसका पैसिव क्या बन गया, तुमको मेरे द्वारा एक कलम दी जाती है, तुमको दी जाती है एक कलम मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा तुम्हें एक कलम दी जाती है। दोनों का सेंस बिल्कुल एक है, केवल तरीका कहने का अलग अलग है। तो ये बन गया आपका पैसिव। अब चलो पास्ट इनडेफिनिट में भी, इसका भी अफर्मेटिव का ही सेंटेंस हमने लिया है। हाँ, तो जैसे ऊपर आई गिव यू अ पेन था तो हमने इसी को सेकंड फॉर्म लिख दिया, आई गिव हिम अ पेन लिख दिया। अब यहां पर यू न लिख के मैंने दूसरी प्रोनाउन यूज कर दिया यहां पर, ताकि तुमको हर प्रोनाउन का अंदाज आ जाए। तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको, गेव सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इनडेफिनिट है। वर्ब अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, ये याद रखो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इनडेफिनिट हो गया। अब तरीका बिल्कुल सेम है, इसको पैसिव बनाने का तरीका सेम है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। हिम का सब्जेक्टिव रूप देखो, ऊपर देखो हिम, ये हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या है, ही। तो हिम का ही लिख देंगे यहां पर सबसे पहले। उसके बाद अब देखो बच्चों, गेव जो है पास्ट का है ये, तो पास्ट में जो वर्ब एक्सिलरी वर्ब होती है वो वज और वर, वज या वर में से एक यूज होगी। अब ही के साथ क्या आता है भाई, वज आता है या वर आता है, ही के साथ वज आएगा, ही के साथ वज लगा दिया। ध्यान दो, गेव जो है ये वज गिवन में चेंज हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो इसमें एक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया है वो वॉज लगा दिया और ये थर्ड फॉर्म लिख दी, वॉज गिवन। इतना क्लियर हो गया। प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर में से आर लगाया, यहां पर वॉज और वर में से वॉज लगाया, ध्यान दो, क्योंकि ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है, ये ध्यान देना, वॉज गिवन हो गया थर्ड फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, वॉज गिवन के बाद अब पेन लिख दिया, और अब देखो ये सब्जेक्ट कहीं नहीं आया अभी तक, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देते हैं। आई का क्या बन गया, ऊपर देखो आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो उस टेबल से हमने उसको याद करना है, टेबल को थोड़ा समझना है, ये हमने मी लिख दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, देखो आई का मी बन गया। देखो हिम का ही बनाया, सब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये देखो ध्यान देना है। तो इससे आ गया आपका ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, क्या मतलब हुआ, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक कलम दी, ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, उसे दिया गया एक कलम मेरे द्वारा, यानी उसे मेरे द्वारा एक कलम दिया गया या मेरे द्वारा उसको एक कलम दी गई। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बन गया, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ो फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका भी अफर्मेटिव ही लिया हमने, एक्टिव। अच्छा ये एक्टिव जो है, ऊपर मैंने पैसिव नहीं लिखा, पैसिव लिख देता हूं, कौन सा है पैसिव, इसको भी पैसे लिख देता। हाँ तो देखो बच्चों, ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, ये तो हो गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में इसमें क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है सीधे, टेंस को पहचानने का सरल तरीका है। अगर फर्स्ट फॉर्म आई तो समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म आई तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट है। अब विल और सेल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो समझ लो कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, बस समझने का तरीका देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें भी जो फ्यूचर में वर्ब यूज होती है वो होती है बच्चों
विल बी और शैल बी, याद रखना है ये विल बी और शैल बी, फ्यूचर की जो वर्ब है ये यूज होगी पैसिव में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आप देखो सबसे पहला काम वही है, फिर इसके ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके लिख दो, मी का सब्जेक्ट ऊपर टेबल से देखो, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है, मी ऑब्जेक्टिव रूप है, उसका सब्जेक्टिव रूप आई है, देखो आई लिख दिया। अब यहां पर आई के साथ ध्यान देना है कि विल नहीं आता है, आई के और वी के साथ शैल आता है, तो आई शैल, अब फ्यूचर की जो वर्ब बताई मैंने सहायक क्रिया वो बताई शैल बी या विल बी, तो आई शैल बी हो गया ये। और वर्ब की फिर वही थर्ड फॉर्म ही लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, आई शैल बी गिवन हो गया। और ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया, अ पेन है ना, तो अ पेन को अ पेन ही लिख दिया, यानी आई शैल बी गिवन अ पेन। और बाय लगा दिया, बाय को लगाने के बाद इस जो सब्जेक्ट है हमारा ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दिया हिम, तो सेंटेंस क्या बन गया, देखो ये हिम है, देखो ये क्या है, हिम, तो सेंटेंस बन गया तुम्हारा बच्चों, आई शैल बी गिवन अ पेन बाय हिम। तो तीनों के इनडेफिनेट के जो पैसिव हैं वो इस तरह से बन गए। एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूं, फिर ध्यान देंगे आप। देखो आई सब्जेक्टिव रूप है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप मी है, सेकंड में अच्छा वी का, वी सब्जेक्टिव रूप है और इसी का वी का ही ऑब्जेक्टिव रूप अस है, सेकंड में यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है। ही सी में देखो ही का ही सब्जेक्टिव है तो इसका हिम ऑब्जेक्टिव है, सी सब्जेक्टिव है हर ऑब्जेक्टिव है, दे सब्जेक्टिव है देम ऑब्जेक्टिव है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, याद करो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू का सब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है। अच्छा उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गिव है, तो इसमें जो सहायक क्रिया यूज होती है प्रेजेंट में वो इज एम आर यूज होती है, तो यू के साथ आर आता है, आर लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, ध्यान देंगे। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया पेन, और बाय लगा देंगे, बाय लगा करके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिख देंगे, यहां पर आई का मी ऊपर टेबल में देखो, आई का ऑब्जेक्टिव रूप में होता है, तो ये बन गया आपका पैसिव, यू आर गिवन अ पेन बाय मी। अब पास्ट इंडेफिनिट में भी देख लो एक बार, और आई गेव हिम अ पेन, तो किया क्या, ऑब्जेक्ट को ही पकड़ा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया, हिम का सब्जेक्टिव रूप ही होता है। उसके बाद अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है देखो, क्योंकि वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें जो वर्ब होगी पैसिव की, जो एक्सिलरी वर्ब यूज होगी वो होगी वज और वर, वज या वर में से एक आएगा, तो ही के साथ वर नहीं आता, ही वर नहीं होता, तो ही वज आएगा, सिंगुलर वर्ब है ये, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिख देते हैं, वर्ब की देखो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो वज गिवन हो गया, ही वज गिवन। उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को झुकाते हूं उतार दो पेन, और हिम ये आई का जो है, ये जो सब्जेक्ट था यहां पर, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दो मी, तो ये बन गया ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी। अगला देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो, ही विल गिव मी अ पेन, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई होता है, आई लिख दिया मी का। उसके बाद बच्चों देखो विल है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव में जो सहायक क्रिया यूज होती है वो शैल बी या विल बी यूज होती है, तो अब चूंकि आई के साथ विल बी नहीं आता है, आई के साथ शैल बी लिखेंगे, तो आई शैल बी लिख दिया, इतना हमें आना चाहिए। सहायक क्रिया कौन सी यूज करनी है, टेंस के अनुसार, ये याद रखना है तुम्हें, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया कौन आएगी ये मैंने लिख दिया ऊपर, अभी इसको मैं सेंड कर दूंगा, सॉरी
और इसमें है आपका गिवन, आई शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है गिवन लिख दिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो का त्यों अपेन लिख दिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव में, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी हिम बना करके बाई लगा देंगे उससे पहले और हिम लिख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई शैल बी गिवन अ पेन बाय हिम। तो यहां पर देखो मैंने एक्सिलरी वर्ब्स लिखे हैं, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट के लिए यूज होती हैं पैसिव बनाते समय, ये पास्ट इनडेफिनिट के लिए पैसिव बनाते समय यूज होती हैं, ये फ्यूचर इनडेफिनिट के लिए पैसिव बनाते समय यूज होते हैं। देखो प्रेजेंट इनडेफिनिट के लिए जो पैसिव बनाते समय यूज करेंगे वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव जो है मेन वर्ब है, इससे पहले यहां पर लगाना है, ध्यान दो इनको। तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज एम आर में से यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आर आएगा, तो ये लगा दिया हमने। मतलब जिसके साथ जो आता है, जैसे आई के साथ एम आता, आई होता तो एम आता, इसके साथ ही होता तो इज आता, सी होता तो इज आता, दे होता तो आर आता, वी होता तो आर आता, यू होता तो आर आता, ये ध्यान देना है तुम्हें कि किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया आती है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ये लिख दी, आर लिख करके गिवन लिख दिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को झुका त्यों उतार दिया, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिख करके उससे पहले बाय लगा दिया, ये बन जाता है आपका पैसिव। तो इस तरह से जो है ये पास्ट की इंडेफिनिट की पैसिव में बदलने वाली सहायक क्रियाएं हैं, वाज वर, ये विल बी और शैल बी जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हैं। तो इतना जो है समझ में आ गया होगा, इससे आगे फिर जो कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, किस तरह से किसका चेंज होता है या नहीं होता है ये भी देखना पड़ेगा, इससे अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।